अगर मैं जाकर देख लेता तो उन लोगों को पता चल जाता कि मुझे पता लग गया है उनके प्लान के बारे में, और फिर वो पंटर अपना प्लान चेंज कर देता और फिर वो ज्योति पापी का मर्डर तब करता। मर्डर नहीं, फिर अपना वो, फिर वो अपना प्लान तब एक्सिक्यूट करता, वो हमने चेंज किया। ज्योति पापी को परलोक तब सिजा था कि वो हाँ ऐसे तब वो ज्योति पापी को परलोक तब भेजता जब जब हमें से किसी हमें से कोई उन्हें बचा नहीं पाता। नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं ये ऑडियो नहीं। हाँ अच्छा 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 हाँ 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 वो इसे बात बोलूंगा तुझे लेने वाली। हाँ अरे ऑडियो क्या अलग, तो आप मुझे ये वीडियो भी दिखा देना तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो इंसान हमारे बीच में रहता है, जो हमारा दोस्त है, ऐसा कर सकता है। करना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकते। राजेश भाई आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या लिखा होता उसमें कि खूनी दरिंदा हम लोगों के आसपास घूमता है, हम लोगों में ही से ही एक होता है, वो अफ्रीका के जंगलों से उठकर नहीं आता। नहीं, फिर भी मैं नहीं मानूंगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है आप ऐसे नहीं मानेंगे, जब कुछ हो जाएगा ना तब आप मानेंगे। और अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी है और ये सुनी और मेरी ये रिकॉर्डिंग की बात सच हो गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे राजेश भाई, आप। लेकिन तब कुछ कर नहीं पाएंगे ना ही हमें कोई, तो आप कब मानेंगे? तू चांस ले जा रहा है। नहीं नहीं जब ज्योति भाभी सर्वासी हो जाएगी ना, और वो सर्वासी हो जाएगी और वो पंडर जेलवासी हो जाएगा तब। देखिए हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, मेरी बात समझिए, हमें पंडर को रोकना होगा। पापा था यार, ठीक है दो दिन के बाद वो चांस नहीं ले सकते। अगर मेरा कानून सुना सच हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप कोई बंदा नहीं बचा पाएगा ना आप। मैं लड़ती हूँ ये काम करने में, मैं जानती हूँ।